200 किले वापस जीत लिए, स्वयं का राज्याभिषेक किया। औरंगजेब डर गया, औरंगजेब बोला अभी तो मुझे स्वयं डेक्कन जाना पड़ेगा, दक्खन में जाना पड़ेगा। और उस दिन मैंने बताया कि इतिहास का, विश्व के इतिहास का एक में उदाहरण कि सम्राट अपने साम्राज्य के एक छोर में 27 बरस लड़ाई कर रहा है। तब शिवाजी भी चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, बीमार पड़े चले गए, संभाजी चले गए, कोई राजा नहीं है, लेकिन शिवाजी ने जो प्रेरणा दी थी उस प्रेरणा से औरंगजेब समाप्त हो गया। ये वीर व्रत इसलिए धारण करना है, ये अंदर के शक्ति का प्रगटीकरण कैसे होगा, जब हम भारत राष्ट्र के प्रयोजन को ध्यान में लेते हुए अपने जीवन का ध्येय निश्चित करते हैं। ऐसे जीवन का ध्येय हमें निश्चित करना है, बलिदान करेंगे तो भी विजय प्राप्ति के लिए करेंगे, सिर्फ बलिदान के लिए बलिदान नहीं करेंगे। हमें स्वामी विवेकानंद का उदाहरण मालूम है, स्वामी विवेकानंद जब गए 2 महीना हाथ में पैसा नहीं, 8000 माइल दूर, कल्पना कीजिए, कोई पहचान का नहीं, 8000 माइल दूर, वो कि उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ इस राष्ट्र का प्रेम हृदय में लेकर स्वामी जी गए हैं। स्वामी विवेकानंद खत में लिख रहे हैं, शायद भूख या ठंड से मैं मर जाऊंगा, और उसी खत में वो आगे लिखते हैं, लेकिन लाखों स्त्री पुरुष युवक युवती हृदय में सिंह जैसा धैर्य धारण किए, इस भारत देश के कोने कोने में जाकर सेवा कार्य करेंगे, ये काम रुकना नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए, मृत्यु सामने दिख रहा है, भविष्य अंधकारमय है, फिर भी सपने जो देखता है ना, वही अंधकार को दूर करते हुए सपने को साकार कर सकता है, लेकिन उसके लिए यह व्रत होना चाहिए जो हमने रोज जीवन में जीना चाहिए। और हम देखते हैं कि 2 महीने में स्वामी जी ने क्या क्या कष्ट उठाए, मालूम है ना, जब बोस्टन जा रहे थे और उनके साथ वो केट सनबॉर्न बैठी थी, एक वृद्ध महिला, बहुत धनी महिला, उसने देखा ये विचित्र पोशाक करते हुए एक युवक बैठा है और इसको अंग्रेजी भी आता है, तो क्या मजा आएगी, मेरा समय नहीं जाता है, उस समय टीवी भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा मैं मेरे मित्रों को बुलाऊंगी, हम थोड़ी इनकी मजाक उड़ाएंगे। स्वामी जी लिखते हैं खत में कि किसी नमूने जैसे वो मुझे अपने मित्रों को पेश करती है, लेकिन जब अपना आंतरिक मूल्य होता है ना, कोई भी आपकी हंसी उड़ाए, यदि हमने स्वयं की तैयारी की है, यदि हम ये व्रत दिन हर क्षण जी रहे हैं, तो हमारा आंतरिक मूल्य इतना होता है कि जो हमारी मजा करने के लिए आता है, हमारी मजाक उड़ाने के लिए आता है, हंसी मजाक करने के लिए आता है, वो हमारा भक्त होकर वापस जाता है, वो नमस्कार करके वापस जाता है। वही हुआ, जो स्वामी जी की मजाक उड़ाने के लिए आए, स्वामी जी को एक नमूना करके देखने के लिए आए, वो स्वामी जी को नमस्कार करने लगे। वही उनको प्रोफेसर राइट के पास लेके गए, वही प्रोफेसर राइट ने उनकी सारी व्यवस्था कर दी। ये आंतरिक मूल्य अपना बढ़ाना है। आंतरिक मूल्य यानी क्या, आपको मालूम है कि जैसे समझिए कि 1000 रुपए की नोट है, वो तो करेंसी है, पेपर है, उसके ऊपर किसी ने ये दिया है कि हाँ आई प्रॉमिस, इसीलिए ये प्रॉमिसरी नोट जैसा है, ये करेंसी है। दूसरा 1000 रुपए कीमत का एक सोने का सिक्का है, समझो कल सरकार, जैसे कल मुकुल भैया बता रहे थे ना, बस घोषणा कर देते हैं 1000 रुपया का नोट अभी चलेगा नहीं, तो अभी आपके 1000 रुपए के नोट से आपको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो एक पेपर है, जैसे कंबोडिया में हुआ था, सरकार बदल गई, वो कम्युनिस्ट पोलपोट रिजाइम आ गया, बड़े अत्याचारी थे, उन्होंने कहा ये कोई भी चलन नहीं चलेगा, तो लोगों के पास जो पैसा था वो उन्होंने टॉयलेट पेपर करके उपयोग किया, ऐसी स्थिति आ गई, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन समझिए कि वो 1000 रुपए कीमत का आपके पास सोने का सिक्का है, कुछ भी हो उसकी कीमत रहेगी ही रहेगी। हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, लोग हमें क्या समझ रहे हैं, ये महत्व का नहीं है, हमने अंदर क्या धारण किया है, हमने अपने शक्ति का जीवन में क्या प्रगटीकरण किया है, इस पर जीवन की सार्थकता होती है। तो ऐसा वीर व्रत हम जीवन में धारण करें।
ये थोड़ा अलग प्रश्न है लेकिन फिर भी मैंने लिया। प्रश्न ऐसा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक का मुझे आज तक अर्थ समझ में नहीं आया। यदि मनुष्य फल के बारे में नहीं सोचेगा तो वह आचरण कैसे करेगा? उसका अर्थ अलग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, याने आपको कर्म में अधिकार है। अधिकार का क्या अर्थ है? कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, इसका मतलब क्या है? उसको चुनने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, आपको चयन का अधिकार है। यानी कोई भी कार्य मैं ऐसा करूं या वैसा करूं या न करूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसी तीन शक्ति हम सबके पास है। उत्तित भव बोलने के बाद मैं बिल्कुल न हिलते हुए सीधा खड़ा हो जाऊं, खड़ा ही न हूं और कितना भी बताया है तो भी बात करूं, यह चयन है। तो यदि मैं सुदबुद्ध वाला हूं, यदि मैंने सोचा है मैं जीवन में कुछ सार्थक जीवन जीना चाहता हूं, तो मैं सही कर्म का चयन करूंगा। कृष्ण यही बता रहे हैं कि हर एक समय हर एक क्षण आपको चॉइस है टू चूज, लेकिन मैंने ऐसा काम करने के बाद क्या होगा यह मैं चुन नहीं सकता हूं। यह तो क्योंकि बहुत सारी शक्तियां काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो होगा वो देखते हुए फिर से क्या करना है यह चॉइस मुझे फिर से है। मैं क्या चाहता हूं? शिवाजी महाराज चाहते थे हिंदवी स्वराज्य होना है, उसके लिए उन्होंने सारी योजना की। मिर्जा राजे जयसिंह के साथ युद्ध हार गए, यानी औरंगजेब के सरदार के साथ युद्ध हार गए, तो क्या किया? रोते हुए नहीं बैठे, अरे ये स्वराज्य सच में मैंने इसमें जाना ही नहीं चाहिए था, नहीं, ठीक है अभी इसके लिए जो भी मुझे करना है उस प्रकार से मैं कर्म का चयन करूंगा और आखिर तक जो मैंने सोचा है वो प्राप्त होने तक प्रयास करूंगा। ये शुरू करने के बाद जो उसका फल आया उसके ऊपर मैं रोऊंगा नहीं, वो फल मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तय तो कर सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुरंत क्या आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, मैंने तो सोचा था मैं मेडिकल के लिए जाऊंगा और मुझे तो मार्क्स इतने ही मिले और मैं जीवन भर रोता रहता हूं। ये नहीं है, हर क्षण मैं क्या करूंगा ये करने का अधिकार मुझे है, उसके बाद जो होता है वो देखकर फिर से क्या करना है, आखिर मैं जो करना चाहता हूं वो प्राप्त करने के लिए, वो चयन अपना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसीलिए पूरी जो योजना है फल का भी नियोजन ये कर्म का ही भाग है। ये वो उसका अर्थ है। दक्षिण भारत में वैष्णव और शव यानी अलवर और नयनमार के बीच झगड़े हुए थे, और आप तो कहते हैं कि